जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यानी पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार अगर आपका जन्म किसी एक विशेष माह में हुआ है तो उसका लक्षण क्या होगा। तो आज इसी क्रम में हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर और दिसंबर माह में जन्मे जातकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे नवंबर माह की। यदि आपका जन्म किसी भी वर्ष के नवंबर माह में हुआ है तो कैसा होगा आपका स्वभाव, क्या होगी प्रकृति, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवंबर माह में जन्मे युवा जो होते हैं वह बेहद दयालु होते हैं। यदि आपका जन्म किसी भी साल के नवंबर महीने में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप इस दुनिया में सबकी भलाई करने के लिए जन्मे हैं। आप अत्यंत दयालु और परोपकारी हैं। सहन शक्ति के हिसाब से भी आप कमाल के मनुष्य हैं। जब तक आपके स्वाभिमान पर चोट ना हो जाए तब तक हर छोटी बड़ी बात आप सिर से गुजर जाने देते हैं। आप सबके बीच सामंजस्य बैठाने का काम बखूबी निभाते हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप परिवार में और समाज में अपने दोस्तों मित्रों के बीच में बनाते हैं। अक्सर दोस्तों के पैचअप करवाने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। यूं तो दुनिया आपको बड़े ही शांत और सौम्य रूप में जानती है, लेकिन जिसने आपका गुस्सा देखा है वही जानता है कि आपके भीतर कितना बड़ा तूफान भरा हुआ है। इसकी वजह से आप कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आप मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ करें या ना करें, दोस्त आप पर जान लुटाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, क्योंकि आपके भोलेपन के वो कायल हैं। आपके स्वभाव से वो भली भांति परिचित हैं कि आप कितने अंदर से निश्चल हैं, कितने पवित्र हैं। इस वजह से आपकी मदद के लिए, आपकी जरूरत पर हर व्यक्ति आपके साथ होता है। आपकी तरक्की से जलने वालों के लिए ये चेतावनी है कि नवंबर वालों के दुश्मन सीधे मुंह की खाते हैं, तो उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़े बुरे परिणाम आते हैं। नवंबर माह में जन्मे युवाओं में प्यार का अथाह सागर होता है, जिसे प्यार करेंगे वे अगर ना मिल पाए तो भी उसे भूल नहीं पाएंगे, और जो अगर प्यार मिल जाए तो उसकी खुशी के लिए खुद को मिटा करके भी तृप्त नहीं होते। फिर वही बात है कि आप अत्यधिक दयालु जो होते हैं यही आपका एक सबसे बड़ा जो है वो लक्षण है, और सबसे प्रिय स्वभाव जो है जिसकी वजह से आप लोगों के प्रिय होते हैं, एक यही आपका स्वभाव है। कुछ युवा जो नवंबर में जन्मे हैं और पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार जिनकी राशि वृश्चिक या मेष है, उन पर कंजूस होने का आरोप भी समय समय पर लगता रहा है। अन्यथा सामान्यतः नवंबर के युवा दिल के इतने उदार होते हैं कि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए, खुद की जेब खाली करने के लिए करके भी वह खुश रहते हैं। जरा भी एक बार भी सोचते नहीं, जो भी पैसे हैं मित्रों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए वह लुटाते रहते हैं। पैसे इनके पास जितने भी आए सेविंग के तरीके ये खोज ही लेते हैं, यानी सेविंग्स के मामले में, धन संचय के मामले में भी आप जैसा कोई दूसरा योग्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता। पूरी तरीके से खाली ये कभी होते ही नहीं। इनके किसी ना किसी पर्स या पैंट की जेब में आप जब भी तलाशेंगे तो पैसे कहीं ना कहीं से निकल ही आएंगे। थोड़ी व्यग्रता पर कंट्रोल कर लें तो इनके जैसे करीने से रहने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। हर काम सुव्यवस्थित और साफ सुथरा आपको पसंद होता है।
इनके बचपन से लेकर के अब तक के छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट भी किसी फाइल में सुरक्षित और बहुत सलीके से अरेंज्ड वे में आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से रखे मिल जाएंगे। जहां हम आपको थोड़ा सा और सनकी कह सकते हैं, कुछ कुछ कंफ्यूज्ड और कुछ कुछ क्रिएटिव। अतीत से इन्हें गहरा लगाव होता है, पुरानी यादों को आप बहुत संजो करके रखते हैं, अपनी हर पहली बात या पहली चीज अपनी स्मृति में आप एकदम बहुत नएपन के साथ संजो करके रखते हैं। अक्सर इस माह में जन्मे लोग संवेदनशील होते हैं, लेखक, पुलिस, पत्रकार, कलाकार, सर्जन या गुप्तचर विभाग में इनकी सक्रियता देखी गई है, इनकी योग्यता वहां पर काम आती है। मन इनका बच्चों की तरह होता है, इसलिए बच्चों से इन्हें बेहद प्रेम और लगाव होता है, प्यार होता है। इनका इंट्यूशन पावर तो जबरदस्त का होता है, किसी बात का पूर्वाभास होने या सूरत देखकर आदमी की फितरत पहचानने की जो इनकी क्वालिटी है वह इनकी सबसे एक बहुत मजबूत क्वालिटियों में से एक है और वो इनके बहुत काम आती है। आकर्षक मुखाकृति और मासूमियत के कारण नौकरी हो या घर, प्यार हो या दोस्ती, इनके 100 गुना माफ कर दिए जाते हैं। अपने बालों का इन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए वरना गंजेपन के शिकार ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान खासतौर पर अपने केशों की सज्जा और उसके रखरखाव पर आपको ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की प्रवृत्ति से भी थोड़ा बचें तो सही वक्त पर सही जीवन साथी आपको मिल जाएगा। नवंबर माह की लड़कियां भावुक दिखती हैं पर होती बहुत प्रैक्टिकल हैं, चोट खाने पर खुद को समय पर संभाल लेती हैं, अंदर से बहुत स्ट्रांग होती हैं। यही वजह है कि अपने दुख के लिए कभी दूसरों का कंधा इस्तेमाल नहीं करती, खुद में खुद को कंट्रोल करना जानती हैं। बेमिसाल चयन शक्ति के कारण जीवन की हर जंग आप जीत लेती हैं। अभिव्यक्ति थोड़ी सी कमजोर होती है क्योंकि आप अपने अंदर की बात हर व्यक्ति से शेयर नहीं कर पाते, इसलिए उम्मीद करती हैं कि इनके आसपास के लोग इनके हाव भाव से इनकी बात को समझ लें या इनकी मनोदशा को समझ लें। लोग जब इन्हें समझ नहीं पाते तो ये झल्ला पड़ती हैं, इनका क्रोध फिर निकल जाता है। नवंबर माह वालों के लिए सलाह है कि वे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा सुधारें, लोगों के साथ आप थोड़ा सा संवाद बढ़ाएं, संवादहीनता की जो स्थिति है उसे दूर करें, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर आप लोग जो है गलत समझ लिए जाते हैं या आपको जो लाभ मिलना चाहिए आप उस लाभ से, उस सफलता से वंचित रह जाते हैं। अपने सौम्य स्वरूप का गलत फायदा ना उठाएं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी आपकी ताकत है, आपको उसका प्रयोग और इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सफलता के लिए। कल्पना लोक से बाहर आएं और जिंदगी के कई रंग बस आपके लिए ही खिले हैं, आपको उन्हें सही समय पर पहचानना चाहिए। आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आपका जीवन जो है सुखमय बना रहे। आपके लिए शुभ अंक यानी लकी नंबर बनते हैं 3, 1 और 7। लकी कलर बनता है पिंक, सफेद यानी व्हाइट और चॉकलेटी। आपके लिए शुभ दिन यानी लकी डे है गुरुवार और मंगलवार। लकी स्टोन है पर्ल यानी मोती और मूनस्टोन, ये आपके लिए शुभ होगा। आपके लिए सुझाव ये है कि एक सरसों के तेल में एक पात्र ले लीजिए, लोहे का पात्र ले लें, उसमें सरसों का तेल भर लें और उसमें अपना चेहरा देख करके शनि मंदिर में दान कर दें या फिर पीपल के नीचे आप रख करके चले आएं, इसे छाया दान कहते हैं। इस उपाय को एक बार कर लेने से आपके जीवन में सफलता में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये तो बात रही नवंबर माह की, आइए अब जानते हैं। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।